हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपसे नहीं कह पा रहे हैं, ओवरऑल उनके दिल की बातें, जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं और आपसे नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, वैसे कौन से मैसेजेस आपको देंगे जो आपको नहीं पता। ओके, ये है इस रीडिंग का टॉपिक आज के लिए। रिक्वेस्टेड टॉपिक है, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि इस टॉपिक पर रीडिंग लेकर आऊँ, तो फाइनली मैं रीडिंग कर रही हूँ इस टॉपिक पर। और मैंने यहाँ पर दो ग्रुप बनाए हुए हैं। ग्रुप नंबर वन के लिए मैंने यहाँ पर पिंक कलर का कार्ड रखा हुआ है, तो अगर आप इस वाले कलर से या इस कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप पाइल नंबर वन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, एंड पाइल नंबर टू के लिए यहाँ पर मैंने ये पर्पल कलर का कार्ड रखा हुआ है, तो अगर आप इस वाले कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप ये वाला कार्ड और पाइल नंबर टू को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो जो भी कार्ड आपको कलर कार्ड जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके ध्यान से देख लीजिए, अपने पार्टनर के बारे में याद कर अच्छी अच्छी बातें, और देन एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, टाइमलेस है ये रीडिंग, जब भी आप देखेंगे आपको हेल्प करेगी, एंड जनरल है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, चलिए, अब तक आपने सिलेक्ट कर लिया होगा एक पाइल, तो अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, जिन्होंने भी चूज़ किया है ये वाला कलर, पिंक कलर एंड पिंक कार्ड, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देंगे जो आपसे वो नहीं कह पा रहे हैं। उनके दिल की बात, उनके दिल में दिमाग में चल क्या रहा है आपको लेकर, ठीक है, सारी बातों के बारे में पता करेंगे। चलिए सबसे पहले टैरोट से देख लेते हैं जल्दी से कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, कैसा फील कर रहे हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपसे वो नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, फिर चाहे आप कांटेक्ट में हैं, आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, और अगर ब्रेकअप भी हो गया है तो भी अगर आप आज भी उस पार्टनर को लेट गो नहीं कर पाए हैं और आपको जानना है कि वो आपको वो आपसे कौन सी ऐसी बातें छुपा रहे हैं जो आपको नहीं पता, तो इस रीडिंग में हम पता करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, क्या ऐसी बातें छुपा रहे हैं जो आपको नहीं पता, कौन से ऐसे मैसेज आपको नहीं दे पा रहे जो कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आपका या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। ये दो कार्ड देखकर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है, और दूसरी बात यह है कि उनके फाइनेंस में भी काफ़ी दिक्कत है उनको अभी। चाहे ये अच्छी प्रोफाइल पर भी अगर जॉब कर रहे हैं तो भी फाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस कर रहे हैं। Six of Wands, Aries, Leo and Sagittarius. The Devil and Six of Cups. Okay. The Emperor. डेफिनेटली मुझे लगा था कि ये इस पार्टनर को के पास कोई अच्छी जॉब है, लेकिन फिर भी ये पार्टनर अभी अप्स एंड डाउन फेस कर रहे हैं अपनी जॉब में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप है इनके बिजनेस में। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव जजमेंट कार्ड। ओके, चलिए मैं सबसे पहले आपको कुछ साइंस बता देती हूँ जो यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर सारे ही साइन हैं, कोई भी ऐसा साइन नहीं है जो नहीं आया है, लेकिन जो फिक्स साइन है वो है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, एरीज।
एंड कैप्रिकॉन, ठीक है, ये साइन यहाँ पर स्पेशल आए हुए हैं। वैसे एलिमेंट यहाँ सभी हैं, वाटर, एयर, फायर एंड अर्थ, ठीक है, कोई भी ऐसा साइन नहीं है जो यहाँ पर मिस हो। लेकिन जो स्ट्रांग है वो है कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, सजिटेरियस एंड एरीज, ठीक है। तो ये आपके और या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर मैंने देखी, थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर कार्ड आया है, ठीक है। सबसे पहला कार्ड थ्री ऑफ सोर्ड्स का आया है और ओवरऑल जो एनर्जी आई है वो है जजमेंट। अब बॉटम द डेक से जो कार्ड आया है वो है जजमेंट कार्ड। तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी एक का दिल इतनी बुरी तरीके से टूटा है इस कनेक्शन में। थोड़ा सा पास्ट आपको बताना चाहूँगी मैं सबसे पहले। बहुत बुरी तरीके से रिलेशनशिप टूटा है और कोई एक बहुत रोया है, तड़पा है इस कनेक्शन में, ठीक है। जब कनेक्शन ख़त्म हुआ, शायद थर्ड पार्टी की वजह से ही ख़त्म हुआ है कनेक्शन, कोई और आपके कनेक्शन के बीच में आया था, ठीक है। और लाने वाले भी कौन थे, आप ही के पार्टनर थे, ठीक है ना। इन्होंने ही आपके साथ धोखा करा है, चीटिंग करी है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास हर्मिट कार्ड भी आया है, ठीक है। तो ये कार्ड बता रहा है कि इस पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग करी है, ठीक है। आपके ट्रस्ट को तोड़ा है इस पर्सन ने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत बुरे तरीके से ब्रेकअप हुआ है। आप ऐसी कंडीशन में हो गए थे, ना खुश होना, ना हंसना, खाना पीना भूल गए, मतलब बहुत मैं देख रही हूँ, काफ़ी हार्डशिप देखी है आपने, अपने आपने प्यार में बहुत धोखा खाया है इस पर्सन के साथ। आपने इनके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करा और आप हैं भी सोलमेट कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन इस पार्टनर ने बहुत दुख तकलीफ़ें दी हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से जो ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो आई है जजमेंट की, ठीक है। तो रीडिंग की जो थीम है वो है जजमेंट, ओके। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ ना कुछ गॉड जजमेंट करेंगे अपना, कुछ ना कुछ ऐसा ये भी पार्टनर अब फेस कर रहे हैं। इस पार्टनर का दिल टूटा हुआ है, इस पार्टनर के बिजनेस में सब कुछ ख़राब हो चुका है, ठीक है। चाहे फिर इसका खुद का ही बिजनेस हो, अच्छी जॉब पर हो, अच्छी प्रोफाइल पर हो, नो मैटर, लेकिन ये बहुत हार्डशिप फेस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ कर्मा ने इनको मतलब जो आपके साथ किया वही अब कर्मा इनके साथ हो रहा है, ठीक है। इनको इनके कर्मों का फल मिल रहा है। ओवरऑल जजमेंट की एनर्जी का मतलब होता है कि गॉड कुछ ना कुछ जजमेंट यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। और इस पार्टनर को भी पता है कि ये क्या फेस कर रहे हैं, इस पार्टनर को पता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, खुश हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। भले ही कुछ मिसिंग है आपकी भी लाइफ में, लव मिसिंग है, आई नो दैट, बट आ जाएगा सब, क्योंकि यहाँ पर गॉड की जजमेंट होनी है आपके साथ, डेफिनेटली आ जाएगा आपके पास भी ये पार्टनर, आपके पास आपका खोया हुआ प्यार वापस आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, अभी आपके पार्टनर आपको मैसेज क्या देंगे। ये जो इतना बताया, ये थोड़ा पास्ट की एनर्जी बताई मैंने आपको। ये पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपके साथ आज भी, और नहीं बता पा रहे ना, ब्रेकअप करके बैठे हुए हैं, किसी और के साथ डील करी इन्होंने, लेकिन वहाँ पर केमिस्ट्री नहीं बैठी। आज भी आपको बहुत ब्यूटीफुल, चार्मिंग, गुड लुकिंग, इंडिपेंडेंट, इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा एक पर्सन मानते हैं आपको, और आपके लिए काफ़ी सेक्सुअल अट्रैक्शन, रोमांटिक फीलिंग्स, बॉन्डिंग आज भी बहुत स्ट्रांग है इनके मन में आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप इनके माइंड में हैवी भी होते हो कभी कभी, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हो सकता है आप इनके ड्रीम में भी आ रहे हो इस पार्टनर के, और ये पार्टनर ओवरऑल आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इस पार्टनर को पता है कि इसके कर्मों की वजह से इसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, इसका दिल बिल्कुल टूट गया है, बिजनेस ठप हो गया है, ठीक है। और देखिए, हो सकता है कि आप दोनों के बच्चे भी हों, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ हैं, अगर इस पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, तो आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे हैं और ये पार्टनर अब याद करते हैं आपको, ठीक है। ये पार्टनर देखिए अपने आप को बैलेंस में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं कि यस, मैं एक बार हील हो जाऊं, बैलेंस में आ जाऊं, देन आपके पास ये पार्टनर आने के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। सिक्स ऑफ वैंड, इसका मतलब होता है कि ये पार्टनर एक्शन लेंगे, ठीक है, ये पार्टनर आपके पास आएंगे। तो ये सारे मैसेजेस हैं इनके माइंड में जो ये आपको बताना चाहते हैं, लेकिन नहीं कह पाएंगे, कह ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स का मतलब होता है पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट हैं। सिक्स ऑफ कप्स एंड द जजमेंट, डेफिनेटली ये गॉड का बनाया हुआ कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, और डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां आई हैं, अब सिर्फ और सिर्फ गॉड कुछ कर सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि इस पार्टनर ने बहुत कुछ खराब कर दिया है अपने आप दोनों के बीच में। लेकिन यस, ये पार्टनर थोड़े जिद्दी भी थे, काफ़ी जिद्दी, काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी इस पार्टनर के अंदर है, काफ़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है इस पार्टनर की। आप बहुत इनसे भी आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, कोई और आपके माइंड में नहीं आ पा रहा, आई नो दैट, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसे है, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है और इनके अंदर फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फायर, बहुत ज़िद्दी पर्सन है ये, भले इनका वो जोडियक साइन कोई भी हो, लेकिन इनके अंदर फायर बहुत है, ठीक है। बहुत पैशनेट हैं, बहुत मैस्कुलिन हैं ये पार्टनर, और बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है इनकी, इसी वजह से आप भी इनको नहीं भूल पा रहे हैं। और दूसरी बात है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है आप दोनों का, ठीक है। तो जिस और ये पर्सन ऐसा ही आपको मानते हैं, बहुत ही सेक्सी, हॉट, बहुत ही ज़्यादा, मतलब पैशन, रोमांटिक फीलिंग्स, आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और मैं ऐसा भी देख रही हूँ जिस तरीके से ये पार्टनर इस टाइम आपके साथ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक रोमांटिक फीलिंग्स अगर इनके मन में आपके लिए है, तो आपके भी मन में और आपके पार्टनर के लिए होंगी, डेफिनेटली होंगी, ठीक है, 100%, क्योंकि आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में है। तो डेफिनेटली जैसा आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, आप भी वैसा ही फील कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, बैलेंस की ज़रूरत है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है बैलेंस में आइए, ठीक है, बैलेंस हो जाइए, स्टक मत होइए, आगे बढ़िए, क्योंकि ये पार्टनर ऑलरेडी आपके साथ काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं बता पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे, कैसे बताएंगे, जब तक रिकॉन्सिलिएशन नहीं करेंगे तब तक तो नहीं बताएंगे आपको। चलिए एक बार यहाँ से देखते हैं, ट्रू लव और एकल कार्ड से देखते हैं यहाँ से क्या आता है। चलिए दो कार्ड्स आए, इनको देखते हैं, द सिल्वर वाटरफॉल एंड मैच्योरिटी। ओके, द सिल्वर वाटरफॉल एंड मेच्योरिटी। तो हो सकता है कि ये पर्सन मेच्योर हो रहे हैं, बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा था ना कि जजमेंट कार्ड हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से आया था, और देखिए यहाँ पर भी मेच्योरिटी कार्ड आ गया। यहाँ पर देखिए किस तरीके से एंजल इन्हें गाइड कर रहे हैं, इनको एक सही पर्सन बना रहे हैं। अगर उन्होंने इनों के अंदर कुछ भी गलतियां हैं या फिर ये मिस्टेक करते हैं, तो उस चीज़ को गॉड इनकी हेल्प कर रहे हैं कि उसमें ठीक हो जाए। हो सकता है आप इनके लिए दिन रात प्रेयर कर रहे हैं कि मेरे पार्टनर ठीक हो जाएं, सुधर जाएं, जो भी अगर ये इनको चाहे इनसे गलती से हो रहा है या ये जान पूछ के कर रहे हैं, पर आप दिन दिन रात इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सही ट्रैक पर आ जाएं। और हो सकता है गॉड आपकी सारी बातें सुन रहे हैं, ठीक है। वाओ, चलिए एक कार्ड और निकालते हैं। ओके, वी हैव वन कार्ड, द सीक्रेट वूमेन। ओके, यस, डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, रिलीजियस हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा धार्मिक हैं आप, और आपको पता है इस कनेक्शन के बारे में, इस कनेक्शन की सच्चाई आपको थोड़ी बहुत पता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ये पार्टनर आपको ऐसा मानते हैं कि आप बहुत प्योर सोल हैं, आप बहुत अच्छे हैं, और आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। खुद पर वर्क कर रहे हैं ये पार्टनर, गॉड इनकी हेल्प कर रहे हैं। और देखिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल देख पा रही हूँ कि ये जो सिल्वर वाटरफॉल है ना, ये आपकी लाइफ में ये खुशियाँ आएंगी। देखिए, यहाँ पे रेनबो है, दो बर्ड्स हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी, आपने अपने लिए ना ये अबंडेंस क्रिएट करी है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। भले ही इस कनेक्शन से आपने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ गो थ्रू करके सीख लिया है आपने, लेकिन आपने बहुत अपने लिए अबंडेंस क्रिएट करी है। मैं देख रही हूँ आप काफ़ी पावरफुल बने हैं, बहुत ज़्यादा, फिर चाहे वो मनी में है या फिर आपकी खुद की सोल की आपने ग्रोथ की है, ठीक है, अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में आपने बैलेंस बनाया है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो गई है आपकी, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इस कार्ड से। और आप बिल्कुल प्रेयर कर रहे हैं, देखिए हेट तो आपके मन में है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, मैं देख ही नहीं पा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये वाला कार्ड, ये मुझे बताता है कि आप बहुत प्योर सोल हैं, बहुत ही ज़्यादा आप एक शांत स्वभाव के इंसान हैं, कर्मों में बिलीव करते हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और आपके पार्टनर को भी ये बात पता है आपके बारे में,
पर उन्होंने ये बातें कभी कही नहीं होगी आपसे। चलिए जल्दी से एनर्जी और एकल से भी देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज आएगा आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, वॉकिंग अवे नंबर 27, एप्रिशिएशन नंबर 15, रेस्ट एंड रेजुविनेशन। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन हो सकता है जो भी इनके अराउंड नेगेटिविटी है ये उससे दूर भागे, ठीक है। वॉकिंग अवे का मतलब होता है कि यहाँ से दूर भाग के आपके पास आएंगे, क्योंकि सिक्स ऑफ वैंड्स कार्ड आया था हमारे पास, तो डेफिनेटली ये पार्टनर एक्शन लेंगे फ्यूचर में। ये पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपको बहुत अच्छा मानते हैं, तीनों पाइल में ये निकल कर आ गया। आई मीन तीनों जो भी मैंने डेक यूज़ करे हैं तीनों में निकल कर आया ये कार्ड, आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। देखिए यहाँ से भी ये वाला कार्ड आया था और देखिए यहाँ से भी ये वाला कार्ड आया, ठीक है। ओवरऑल ये आपको बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, चाहे भले ही आपसे कभी नहीं बोली होगी ये बात, लेकिन ये आपको बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपको, ठीक है। और ये पार्टनर अभी अपनी हीलिंग प्रोसेस पर हैं, शायद आपको ना पता हो लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये पार्टनर अपनी हीलिंग प्रोसेस पर हैं, और हो सकता है कि हीलिंग डन करने के बाद ये डेफिनेटली आपके पास आएंगे, ठीक है। ऐसी मैं वाइब यहाँ पर गेट कर पा रही हूँ। तो ये पार्टनर इस टाइम बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपसे, और ये पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ एक कनेक्शन तो बन जाए, लेकिन थोड़ी मुश्किलें हैं क्योंकि बैलेंस और हीलिंग प्रोसेस में अभी थोड़ा सा वर्क और करना है इस पार्टनर को। आपकी हीलिंग डन हो चुकी है, मैं बिल्कुल क्लियर यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन अब आपको थोड़ा सा पेशेंस करके बैठना होगा, क्योंकि ये पार्टनर ऑलरेडी आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स आपको मिस कर रहे हैं और अपनी हीलिंग प्रोसेस पर लगे हुए हैं। तो बहुत जल्दी ये पार्टनर आ भी जाएंगे, एक्शन भी लेंगे, अगर आप भी पॉजिटिव रहेंगे, स्टक नहीं होंगे और आगे बढ़ेंगे, तो बहुत जल्दी ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैसेज देखते हैं, आप यहाँ से क्या मैसेज देंगे आपको। चलिए देखते हैं। आई लव यू बिकॉज आई लाइक गाइज, आई लव यू बिकॉज आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विद मी। तो ये आपसे प्यार करते हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप कैसे इनके साथ हर एक बात शेयर करते हैं। शेयर एवरीथिंग विद मी, आई लव यू बिकॉज आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। अच्छा, आई लव यू बिकॉज आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, ये आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आपके ये पूरा दिन आपके बारे में सोचते हैं। आई लव यू बिकॉज यू कैन मेक मी बेटर वेन आई एम फीलिंग डाउन, ये आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आप इनको बेटर बनाते हैं जब भी ये फीलिंग डाउन, मतलब जब भी ये डाउन फील करते हैं, ठीक है। आई लव यू बिकॉज आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। आई लव यू बिकॉज आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव, इसका मतलब है कि जब भी जैसे आप इनको छोड़ते हो, चाहे रीज़न कोई भी हो, तभी आपको मिस करना स्टार्ट कर देते हैं। और देखिए ये यहाँ पर रीडिंग में भी आया था, आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं और ये पार्टनर इस टाइम बहुत रोमांटिक फीलिंग इनके मन में है आपके लिए, और ये बहुत आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। गॉड की जजमेंट भी यहाँ पर होनी है, और चलिए यहाँ से फटाफट से चेक कर लेते हैं यहाँ से क्या आता है। चलिए मैंने निकाल लिए हैं कुछ मैसेजेस, अब पढ़ते हैं इन्हें। यू होल्ड मी टाइट, आप इनको बहुत टाइट होल्ड करते हैं। यू आर फनी एंड यू अप्रिशिएट मी, एंड ये भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। यू डू सिली थिंग्स फॉर मी एंड यू आर वाइज एंड विटी, तो ये मैसेजेस दिए इन्होंने आपको। तो ये है आपकी रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल पर नए हैं, रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही, बाय। हेलो एवरीबॉडी, जिन्होंने भी चूज़ किया है ये वाला कार्ड, पर्पल कार्ड, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको ऐसा कौन सा मैसेज देना चाहेंगे जो वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। उनके दिल की बात, उनके दिमाग में, मन में चल क्या रहा है आपके लिए, सब कुछ पता करेंगे आज की रीडिंग में, ठीक है। सबसे पहले टैरोट से देख लेते हैं आपके पार्टनर
आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपसे नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। फिर चाहे आप के कनेक्शन के जो भी सिचुएशन है, आपका ब्रेकअप है, डिवोर्स है, सेपरेशन में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, अगर आपने उस पर्सन को अब तक लेट गो नहीं किया है और आप जानना चाहेंगे कि वो पर्सन कौन सी बातें छुपा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, दो कार्ड्स आए थे, द डेथ एंड नाइन ऑफ वैंड्स। पेज ऑफ सोर्स, टेन ऑफ वैंड्स, द लवर, सॉरी टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टेन ऑफ कप्स। ओके, वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, स्पेशली स्कॉर्पियो। साइन बता देती हूँ मैं आपको, स्कॉर्पियो हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्वेरियस यहाँ स्पेशल है, स्कॉर्पियो यहाँ स्पेशल है, ठीक है। यस, यही साइन है हमारे पास, तो ये साइन हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के। ओके, सन, मून, वेनिस, राइजिंग, ठीक है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो साइन से ज़्यादा आपको रीडिंग पर फोकस करना है, साइन पर नहीं। ओके ओके, तो सबसे पहली बात है कि ये पर्सन अपने अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया अपनी लाइफ में, देखिए वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, वर्क हो सकता है, कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, जो भी इस पर्सन ने अपने लिए करने की कोशिश करी उसमें ये पर्सन फेल हो गए हैं, ठीक है। हो सकता है आपको छोड़ के किसी और को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर जो भी बात है अपने वर्क में या कोई भी फैक्टर में ये पर्सन फेल हुए हैं, किसी ना किसी पर्सन में फैक्टर में ये पर्सन फेल हुए हैं, और ये पर्सन खुद में चेंज लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, एक बेटर पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक नया जन्म जैसे किसी पर्सन का होता है ना, इतना चेंज ही अपने अंदर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली, ठीक है। और दूसरी बात ये है यहाँ पर कि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं, आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन का कार्ड नहीं है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको ये पर्सन मैसेज करेंगे, लेकिन यस, ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको मैसेज कर दें, ठीक है, आपके साथ कांटेक्ट करें, क्योंकि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, ये पर्सन देख रहे हैं आपके डे टू डे एक्टिविटीज़, ठीक है। हो सकता है आपको ब्लॉक वगैरह किया हो तो किसी और के थ्रू देख रहे होंगे, किसी फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पर्सन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, मेरे साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी आपको स्टॉक करते हैं ये पर्सन, ठीक है। इस पर्सन के मन में है कि ये आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करे, एक नई बिगनिंग स्टार्ट करे, लेकिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ ना कुछ बर्डन है इनके ऊपर, हो सकता है फैमिली प्रेशर है यहाँ पर, फैमिली की वजह से ये पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहे, हो सकता है कि फैमिली वालों ने कहीं इनों का रिश्ता चलाया हो, तो वो जो रिश्ता था वो नहीं रहा, ठीक है, वो फेल हो गया, वहाँ पर बात नहीं बनी, ठीक है। ये पर्सन खुद को चेंज लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन देखिए आपके बिना तो बहुत अकेला फील कर रहे हैं, देख लीजिए कैसे हैं ये पर्सन, खुशियां नहीं हैं, उदास हैं, बहुत सैड हैं, बहुत कहते हैं ना एक बहुत ऊपर वाले लेवल का सैड हो जाना किसी को, बिल्कुल उस तरीके की सैडनेस है इस पर्सन के अराउंड, ये पार्टनर खुश नहीं है, ठीक है। और अगर ये भी हो सकता है कि अगर आपके फैमिली वाले, ये हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं, फैमिली वाले काफ़ी झगड़ा कराने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, और हो सकता है डिवोर्स तक बात आ गई है, तो डिवोर्स के वजह से भी ये पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन चाहते नहीं हैं कि डिवोर्स हो, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन में है, आपके साथ एक ऐसे कनेक्शन में है जो कि दोनों तरफ से इक्वल है, ठीक है। हो सकता है कि इस कनेक्शन को बैलेंस बनाए रखने में ये पर्सन फेल हो गए, अगर आप दोनों की शादी हो रखी है, आप दोनों के बच्चे भी हैं, ठीक है, या फिर आप दोनों ने प्लानिंग करी थी कि बच्चों के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ों में फेल हुआ है ये पर्सन,
ठीक है, हो सकता है कि ये शादी फेल हो गई है, ठीक है, क्योंकि देखिए किस तरीके से ये इंसान यहाँ अकेला खड़ा है, बेसहारा, सब कुछ गलत हो गया इसकी लाइफ में, चाहा कुछ और मिला कुछ और, ठीक है, इस तरह की बात मैं यहाँ पर गेट कर पा रही हूँ फैमिली प्रेशर की वजह से, क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक से भी यहाँ पर टेन ऑफ कप्स कार्ड आया, देखिए यहाँ से भी एम्प्रेस कार्ड आ गया है, तो डेफिनेटली इनकी मदर इशू हो सकते हैं, मदर नहीं मान रही हैं, ठीक है, मदर ने काफ़ी ज़्यादा झगड़े फसाद करा दिए हैं, फैमिली का प्रेशर मैं यहाँ पर ज़्यादा देख पा रही हूँ, ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन बनाने में फेल हो रहे हैं कॉज ऑफ हिज फैमिली, ठीक है, फैमिली की वजह से, लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तभी तो देखिए ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं, प्यार नहीं होता तो अच्छा कार्ड आता, कोई खुशी वाला कार्ड आता, और ये पर्सन इजीली आपको लेट गो कर देते, भूल जाते और अपनी लाइफ में इंजॉय करते, लेकिन नहीं कर पा रहे, देखिए स्टक है ये पर्सन आज भी, देखिए इतने बर्डन, इतना ज़्यादा बर्डन फील करने के बाद भी आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करना, आपके साथ मतलब एक अटैचमेंट आज भी है, अटैचमेंट है आपके साथ, इसी वजह से इस पर्सन की ये पोजीशन है, ठीक है, ये पर्सन बिल्कुल इस तरीके से जी रहा है अपनी लाइफ आपके बिना, भले ही दिखाता कुछ और होगा लेकिन अंदर से तो बात यही है, ठीक है, रिकॉन्सिलेशन करने के मन में है, बच्चों के साथ आपके साथ आज भी अटैचमेंट है, और अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन में फेल हो गए, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि कहीं से इनकी बातचीत रिश्ते वगैरह की हो रही होगी, तो वहाँ से कनेक्शन हट गया है, डेथ हो गई है उस रिश्ते की, जहाँ से भी इसके फैमिली वाले इसके लिए रिश्ता लेकर आ रहे थे, ठीक है, रिश्ते की बात जहाँ पर भी कर रहे थे, तो ये कुछ मैसेजेस हैं। अब जिसके साथ जो बातें मैच हो जाए आप उसको रखिए, ठीक है, क्योंकि ये मैं बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो जो भी मुझे मैसेज यहाँ मिलते हैं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चलिए अब एक बारी हम ट्रू लव ओरेकल डेक से पता करते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आता है। ये पार्टनर खुद में चेंज लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं और ये पर्सन आपको नहीं भूल सकते, आपको सोशल मीडिया पर भी स्टॉक कर रहे हैं ये पर्सन। डिवाइन फेमिनिन, कैसे लेट गो करेंगे आपको, डिवाइन फेमिनिन है आप इनके, ये पर्सन तो बहुत प्यार करते हैं, भूल नहीं पाएंगे, मतलब इमोशनल फ्रीडम चाहिए इस पर्सन को ताकि अपने दिल की आवाज़ सुन सके, फैमिली का प्रेशर जो इनके ऊपर हैवी हो रहा है ना उससे ये पर्सन चाहते हैं फ्री हो जाएं, तभी तो डेथ का कार्ड आया था, होंगे ये पर्सन फ्री, डोंट वरी, आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, डेफिनेटली इनको स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की ज़रूरत है, इनको समझना पड़ेगा कि आपके साथ किस तरह का कनेक्शन है इनका, समझकर इनको आगे बढ़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा इस कनेक्शन के लिए, फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये पर्सन आपको हमेशा से अपनी डिवाइन फेमिनिन माना है इन्होंने, अपना अदर हाफ माना है, हमेशा आपसे प्यार किया है, लेकिन मजबूरियों की वजह से, फैमिली की वजह से छोड़ना पड़ गया, ठीक है, आपसे बात नहीं हो रही, और ये पार्टनर चाहता है खुद को फ्री करना, फैमिली से फ्री करना, इसको इमोशनल फ्रीडम चाहिए ताकि ये अपने दिल की करे, ठीक है, जो भी इसकी विशेज़ हैं उस पर फोकस करे, और ये पर्सन खुद को देख के हील भी कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो आपका कनेक्शन है ना, अगर आप सेपरेशन में भी हैं तो आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो रही है, आपकी आपको काफ़ी आपकी सोल ग्रो हो रही है, देखिए किस तरीके से दोनों पर्सन हैं, चाहे साथ हो या ना हो, ये डिस्टेंस भी आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, ठीक है, आपको आपका लेवल ऊपर डे बाय डे आप इंक्रीज हो रहे हो, आपकी सोल ग्रो हो रही है, ठीक है, तो ये जो सोलमेट कनेक्शन होते हैं ना ये आते ही इसलिए है, मुश्किल होते हैं, बहुत चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हमारी सोल को ग्रो करने के लिए आते हैं। अब बहुत लोग इसको बुरा भी मानते हैं कि सोलमेट कनेक्शन में है, देखिए बहुत अच्छा भी मानते हैं, अरे हम तो सोलमेट कनेक्शन में हैं, ट्रू लव है, लेकिन ट्रू लव इतना आसान नहीं होता, पहले ही मैं आपको बता दूं, कोई फेरी टेल नहीं होती है, यहाँ पर पर्पस होता है एक दूसरे को सुधारना, एक दूसरे की आत्मा को प्योर करना, इस पर्पस से सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन आते हैं अर्थ पर, धरती पर, भगवानों ने भेजते हैं एक पर्पस के साथ, ठीक है, और जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो आप गेन करते हैं एक्सपीरियंस अपने चैलेंजेस से, अपनी हार्डशिप से, फिर वही आप दुनिया को एक्सप्लेन करते हैं अपना खुद का एक्सपीरियंस, ताकि उनको भी कुछ सीख मिले, कुछ पता चले उनको अपनी लाइफ में। आप लोग मसीहा बनते हैं दूसरों के लिए, लेकिन बहुत कुछ आपको सहन करना पड़ता है, चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, ये तो है। कोई भी ट्रू लव उठा लो हिस्ट्री में जाकर, कोई भी इजी नहीं है, राधा कृष्ण, ठीक है, हीर रांझा, रोमियो एंड जूलियट, आप किसी का भी इतिहास उठा लो, आपको पता चलेगा कि ट्रू लव क्या होता है, कितना सहन करना पड़ता है, कितना वेट करना पड़ता है,
ठीक है ना। तो जो भी यहाँ पर बोलते हैं ना सोलमेट कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, लेकिन रोते हैं, परेशान होते हैं कमेंट्स में। जब मैं उनका कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी तक इनकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुई है, उनको अभी समझ ही नहीं आया खुद का पर्पस। समझने की कोशिश करो, ये जर्नी आसान नहीं होती। और बहुत सारे लोग तो गिव अप कर चुके होते हैं, उनसे नहीं होता वेट, उनसे नहीं होता इंतज़ार, नहीं कर पाते वो इतनी हार्डशिप का सामना, और फिर वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, इस जर्नी को छोड़ देते हैं। लेकिन जो कर पाते हैं वो डेफिनेटली करते हैं, ठीक है, वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। सॉरी, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, डेफिनेटली अबंडेंस मिलेगी गाइस, डोंट वरी, अबंडेंस मिलेगी। ये पार्टनर खुद को हील करेंगे, एक्शन भी लेंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजी, तो हो सकता है यूनिवर्स कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, या फिर ये पर्सन खुद एक ऐसा प्लान बनाएंगे कि अपने परिवार वालों से लड़ेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे और फिर आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि आज भी आप इनके माइंड में हो, इनके दिल में हो, डिवाइन फेमिनिन हो आप इस पर्सन की। द सन, वाओ, और मैं क्या बोलूँ अब। पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, गॉड पर सरेंडर कर दीजिए, खुशियाँ हैं, यूनिवर्स भी हेल्प करेंगे आपकी, और ये पार्टनर तो खैर चाहते ही हैं आपके पास आना, बस फैमिली प्रेशर की वजह से नहीं आ पा रहे। लेकिन मैंने कहा ना, इनके अंदर चेंज आएगा, और सन कार्ड आ गया हमारे पास, और इससे ज़्यादा खुशखबरी मैं आपको क्या दूँ। आप बस पॉजिटिव रहिए, रह सकते हैं तो। मैं तो कहती हूँ मेरे सारे सब्सक्राइबर्स अगर पॉजिटिव रहें तो कितनी अच्छी बात है। चलिए, मैंने निकाल लिए हैं कुछ मैसेजेस, अब देखते हैं इनको। आई लव यू बिकॉज आई लव हाउ यू रैप योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक्स मी फील सिक्योर। आप इनकी डिवाइन फेमिनिन है गाइस, देखिए ये आपसे प्यार करते हैं क्योंकि इनको पसंद है, इनको आई लव हाउ यू रैप योर आर्म्स, कैसे आप अपने आर्म्स इनके अराउंड लेकर आते हैं, इनको रैप करते हैं, और फिर ना इनको बहुत सिक्योर फील होता है, बहुत सिक्योर फील होता है, इसीलिए ये आपसे प्यार करते हैं। आई लव यू बिकॉज यू आर नॉट अफ्रेड टू डू सिली विद मी। ये कह रहे हैं आई लव यू बिकॉज यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी। इनको आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता इनके साथ सिली बनने में, एक बचपना, एक बच्चे जैसा बिहेव करना, ठीक है, जब भी आप इनके साथ होते थे, जब भी आपने कभी डेट वगैरह की होगी तो एक बच्चे की तरह बिहेव करना, दोनों मतलब होता है ना केजी किड, मतलब केजी क्लास होती है ना, उसमें जब दो फ्रेंड्स होते हैं पहले तो कितना मतलब शाय फील करते हैं, बात नहीं कर पाते, लेकिन दो चार मिनट बाद ही ऐसे हो जाते हैं कि जन्म जन्म का इनका मतलब, जन्म जन्म से ये लोग बेस्ट फ्रेंड थे, इस तरीके से एकदम बच्चों की तरह बनना, सिली हरकतें करना, ठीक है। आई लव यू बिकॉज इफ़ ऑल आई एवर हैड वे वो सॉरी आई लव यू बिकॉज इफ़ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी इनफ। ये कह रहे हैं आपसे ये कि जो भी आप इफ़ ऑल आई एवर हैड, जो भी इनके पास था अगर वो आप थे तो दैट वुड बी इनफ, वो इनफ था इनके लिए। लेकिन अब जब आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो बहुत परेशान हो रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं। आई लव यू बिकॉज यू होल्ड मी सॉरी यू होल्ड द की टू माई हार्ट। इनके हार्ट की key आपके पास है, इसीलिए डिवाइन फेमिनिन है ना आप इनकी, इसीलिए बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन, और ये शायद ये बातें कभी बताई भी ना हो आपको। डिवाइन मैस्कुलिन में बहुत ईगो होता है, जल्दी से बातों को बताते ही नहीं है। देखिए कार्ड भी आ गया हमारे पास, तो एक मैसेज जो इन्होंने आपके लिए दिया, पहला ही मैसेज, यू आर माई सोलमेट। और यहाँ से भी देखिए टू ऑफ कप्स कार्ड आया था, यू आर माई सोलमेट कह रहे हैं आपको, और आप दोनों हैं भी। यू कैन रीड माई माइंड, आप इनका माइंड रीड कर पाते हैं डेफिनेटली, जब सोल कनेक्ट है तो माइंड तो रीड कर ही पाओगे ना आप। यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग, आप इनको ऐसा फील कराते हैं कि ये वर्थ ही है, ठीक है। You are my home, आपको अपना घर कह रहे हैं, You are my home. You never give up on me, आप इनको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी give up नहीं करेंगे, इनको ये बात भी पता है।
यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू, आप हमेशा वहाँ रहे हैं जब भी इनको आपकी नीड हुई है। बहुत केयरिंग कनेक्शन है ना, आप बहुत केयर करते हैं इस पर्सन की, और इस पर्सन को पता है, ये पर्सन खुद को चेंज करने की कोशिश भी कर रहे हैं और डेफिनेटली आपको अपना डिवाइन फेमिनिन मानते हैं, सोलमेट मानते हैं, और डेफिनेटली आपके लाइफ में सन आएगा, खुशियाँ आएगी, आपको बस ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पर अगर आप नए हैं और आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।